everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. तो गाइस कैसे हो यार। तो मैं हाजिर हो चुका हूँ एक और नई ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और आज की इस वीडियो में हम लोग जोनाथन के टू फिंगर लेआउट का एनालिसिस करने वाले हैं, बेसिकली ब्रेक डाउन करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि वो कैसे सिर्फ टू फिंगर पे इतने खतरनाक लेवल की असॉल्टिंग कर पाते हैं और क्या है उनके जिगर करने का राज। तो फिर वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इस लेआउट का यानी कि जोनाथन के इस टू फिंगर लेआउट का कोड मैं आपको वीडियो में जब जरूरत पड़ेगी कहीं भी बीच में कहीं दे दूंगा, तो फिर वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखना। तो फिर चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग जोनाथन के टू फिंगर के कंट्रोल सेटअप को देख लेते हैं। तो उसको मैंने सेटअप करके रखा हुआ है यहाँ पे। तो जी हाँ, ये रहा जोनाथन के टू फिंगर क्लॉक का सेटअप, जिसमें कि जो फायर बटन है इसमें सिर्फ एक ही फायर बटन यूज़ होगा और वो यहाँ पे एकदम बीच में होगा। और यहाँ पे ग्रेनेड को कैंसिल करना और उसी के ऊपर स्कोप भी है और जंप यहाँ पे, बाकी सारी चीज़ें आप देख सकते हो। FPP यहीं पे रहेगा आपके फायर बटन के पास में और स्कोप भी, ताकि आप फटाफट FPP स्विच कर सको और स्कोप वगैरह भी चेंज कर सको। जो पीक बटन से वो आपके यहाँ पे जॉयस्टिक के ऊपर रहेंगे लेफ्ट एंड राइट, और जो गन के डॉक्स है वो यहाँ पे ऊपर नीचे रहेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा मच प्रेफरेबल होता है, ठीक है। और उसके बाद से अगर आपको इसके कोड चाहिए तो मैं आपको यहीं पे कोड दिखा देता हूँ। यस, ये रहा आप लोग कोड, इसको देख के कॉपी कर लो और मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका कोड दे दूंगा, तो फिर आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हो, कॉपी कर सकते हो। लेकिन अगर कोड हो सकता है ये कोड अगले एक हफ्ते तक काम करे, और अगर काम न करता हो तो फिर आके आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे मांग सकते हो, वहाँ पे अगर मेरे पास रहेगा तो मैं आपको ज़रूर दे दूंगा। ओके, तो बात करते हैं इस लेआउट के अकॉर्डिंग इनकी बेसिक सेटिंग्स क्या रहेंगी। सबसे पहले तो हम लोग बेसिक सेटिंग्स के बारे में देख लेते हैं। तो फिर यहाँ पे लीन मोड आपका टैप पे रहेगा और स्कोप मोड भी आपका, दोनों ये टैप पे रहेगा। ओके, और बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हो। जंप एंड क्लाइंब को आप ऑफ कर लेना, क्योंकि जोनाथन भी ऑफ करके ही खेलता है, बट अगर आप ऑन करना चाहो तो फिर सेपरेट कर सकते हो अपने जंप और क्लाइंब बटन दोनों को। और बाकी सारी सेटिंग्स कुछ इस प्रकार होंगी। सेंसिटिविटी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वैसे भी ये जोनाथन की सेंसिटिविटी नहीं है, आप ये मेरी सेंसिटिविटी है, आप चाहो तो इसको कॉपी कर सकते हो। तो फिर चलो अब हम लोग जोनाथन गेमिंग के टू फिंगर लेआउट की एनालिसिस करते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग इस लेआउट के एडवांटेजेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, वो ये है कि इस लेआउट पे आपका जो क्लोज रेंज की फाइट होगी वो बहुत ही ऑसम होगी, मतलब गॉड लेवल की होगी ऐसे बोल सकते हो। क्योंकि इसमें आप जो भी फाइट लोगे वो अपने थंब से ही फाइट लोगे, और आपको पता होगा कि थंब जो होता है वो क्लोज रेंज के लिए बेस्ट माना जाता है। इसलिए आजकल के जितने भी पबजी के प्रो प्लेयर्स हैं वो अपने स्प्रे के लिए ऊपर एक बटन लेफ्ट में रखते हैं और स्पेशली क्लोज रेंज के लिए अपना एक थंब यूज करते हैं। और यही रीजन है कि आजकल जो भी कस्टम प्लेयर है वो थंब की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो क्लोज रेंज का फाइट है वो बहुत ही अच्छा हो। अब इस चीज को मैं आपको थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा देता हूं कि थंब पे क्लोज रेंज की फाइट क्यों ज्यादा बेटर होती है एज कंपेयर टू क्लॉ। तो अब देखो, क्लोज रेंज से मतलब मेरा ये 4-5 मीटर की दूरी वाला क्लोज रेंज नहीं, मेरा मतलब है 1 मीटर या फिर 1 मीटर से भी कम की दूरी, यानी कि बंदा आपसे बिल्कुल चिपक के खड़ा हो, वहां पे आपका जो क्लोज रेंज होगा टू फिंगर पे वो बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा एज कंपेयर टू क्लॉ। क्यों? क्योंकि देखो, इस वाले बटन से आप फायर करते टाइम आप कहीं भी पूरा 360 घूम सकते हो अपने आप को। तो फिर सपोज करो कि अगर बंदा आपसे तुरंत आपके सामने हो और आपके तुरंत पीछे चला जाए, तो फिर आप तुरंत उससे घूम के मार सकते हो। अब बात करते हैं रिकॉइल कंट्रोल की। तो देखो, टू फिंगर में भी आपको रिकॉइल कंट्रोल करने में बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल जहर स्प्रे जाएगा, जैसा आप क्लॉ में करते हो वैसा आपका थंब में भी जाएगा। बस डिफरेंस आपका ये होगा कि क्लॉ में क्या होगा, आप एक ही टाइम आप क्राउच करके फायर करने लगोगे, लेकिन इसमें क्या है कि आप पहले क्राउच करोगे, फिर उसके बाद से अपना ADS खोलोगे और उसके बाद से आप फायर करना स्टार्ट करोगे। तो इसमें क्या है, थोड़ा बहुत टाइम का डिले हो जाएगा, जो भी कितने भी मिली सेकेंड का हो, लेकिन थोड़ा सा डिले हो जाएगा। लेकिन वही जो एक क्लॉ प्लेयर होगा वो अपने आप को तुरंत पोजीशन में ला लेगा फायर करने के लिए। बट हाँ, आप उस टाइम डिले को धीरे धीरे इस लेआउट पे खेलते खेलते कुछ महीनों में कम जरूर कर सकते हो। तो फिर चलो बात कर लेते हैं अब हम लोग जिगल मूवमेंट की।
तो देखो टू फिंगर पे जिगल करना सबसे बेस्ट होता है, एक्सपीरियंस होता है अगर आप टू फिंगर पे करो। अगर आप थ्री फिंगर, फोर फिंगर, फाइव फिंगर, इवन सिक्स फिंगर पे चाहे किसी पे भी करो उतना अच्छा नहीं हो पाता जितना कि आपका टू फिंगर पे जिगल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने जॉयस्टिक को घुमाने के लिए पूरा अच्छा खासा स्पेस मिलता है। अगला जो एडवांटेज है इस टू फिंगर जोनाथन के लेआउट का वो ये है कि अगर आपके पास कोई डीएमआर गन हो तो फिर आप उसे उस गन के फुल पोटेंशियल पे चला सकते हो और वो भी फुल एक्यूरेसी के साथ। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो मैं इस गन को बहुत ही इसके रेट ऑफ फायर पे चला रहा हूँ, मतलब बहुत ही फास्ट इसके रेट ऑफ फायर पे चला रहा हूँ और बिल्कुल फुल एक्यूरेसी के साथ, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है, मेरे जायरस को बिल्कुल भी नहीं हिलता है। अगर आप वही यहाँ इस अगर आप इसे लेफ्ट फिंगर के अगर इंडेक्स फिंगर से यूज़ करते हो, लेफ्ट हैंड के अगर इंडेक्स फिंगर से अगर आप स्पैम करते हो तो वो भले ही तेज़ हो पाता है लेकिन आपका जायरस को बहुत ही ज़्यादा हिलता है। इस लेआउट का एक और एडवांटेज है वो ये है कि आप ऐसे गन्स को जो कि डीएमआर हैं, जो कि सेमी ऑटोमेटिक होती हैं, उन्हें आप क्लोज रेंज में भी बहुत ही फास्ट तरीके से ऐसे यूज़ कर सकते हो, स्पैम कर सकते हो। तो जोनाथन के इस टू फिंगर लेआउट का सिर्फ यही एक डिसएडवांटेज है कि ये जो लेआउट है ये एक मल्टीपल मूवमेंट वाला लेआउट नहीं है, यानी कि आप इस लेआउट से मल्टीपल मूवमेंट नहीं कर सकते, यानी कि आप फायर करते टाइम डायरेक्ट क्राउच नहीं हो सकते। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको पहले फायर बटन से उंगली हटा के फिर आपको क्राउच होना होगा, तब जाके आप फायर करोगे। और सेम कंडीशन अप्लाई होती है ड्रॉप शॉट के साथ भी। जैसे कि आप क्लॉ में क्या करते हो, आप फायर करते करते आप प्रॉन बटन को दबा देते हो जिससे कि आपका जो कैरेक्टर है वो फायर करते करते प्रॉन हो जाता है, लेकिन टू फिंगर में ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको अपने फायर बटन से उंगली हटा के प्रॉन बटन दबाएंगे फिर जाके आप फायर करना स्टार्ट करेंगे। एंड वही सेम कंडीशन अप्लाई होता है जंप शॉट के साथ। तो जी हाँ, यही एक छोटा सा डिसएडवांटेज है जोनाथन के इस टू फिंगर लेआउट का। लेकिन आप क्लोज रेंज में आप ये कर सकते हो, आप जिगल कर सकते हो, भाई उससे बढ़िया और कोई चीज़ होती भी नहीं है क्लोज रेंज के लिए। तो फिर यार बस यही था जोनाथन के इस टू फिंगर लेआउट के लेआउट का ब्रेकडाउन। और अगर आप और भी किसी यूट्यूबर का लेआउट एनालिसिस देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करना, मैं जरूर बनाऊंगा उस पर वीडियो। तो बस यार आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो यार डेफिनेटली वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, नीचे जो लाल रंग का बटन है उसको दबा के बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दो। तो बस मैं चलता हूँ, बाय बाय।